बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। बियर को भंडारित करने से पहले कौन सी गैस मिलाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मृद्युपेय में दाब के अंतर्गत निम्न में गैसों में से कौन उपस्थित होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। मृद्युपेय में दाब के अंतर्गत निम्न में से दाब बनाने के लिए गैसों में कौन उपस्थित होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर में कौन सा गैस यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ किसका ठोस रूप होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सूक्ष्म बर्फ किसका मात्रा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। गेहूं के आटे में यीस्ट मिलाकर डबल रोटी बनाने से स्पंजी या कोमल हो जाती है, किसके कारण? उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रोटी को स्पंजी बना देती है। रोटी को क्या करती है? स्पंजी बना देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, जो उत्पन्न होगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो रोटी को स्पंजी बना देती है। रोटी को क्या करती है? स्पंजी बना देगी। कौन सा गैस समूह हरित घर प्रभाव में योगदान देता है? हरित घर यानी ग्रीन हाउस गैस में कौन इफेक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इफेक्ट करता है। कौन गैस ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट डालता है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देता है। योगदान देगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैसों में योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है। सौर सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। सोलर प्लेट में किस चीज़ का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। ट्रांजिस्टर बनाने में अधिकतर किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सिलिकॉन क्या है? विद्युत रोधक, कुचालक है या अर्धचालक है? सिलिकॉन क्या होता है? अर्धचालक होता है। सिलिकॉन अर्धचालक होता है जिसमें ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है और सोलर सेल में भी प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल में और ट्रांजिस्टर दोनों में प्रयोग किया जाता है। ये अर्धचालक होता है सिलिकॉन, इसलिए प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में और सोलर प्लेट में। ये अर्धचालक होता है, इसलिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है किसको? सिलिकॉन कार्बाइड को। कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जानता है
सिलिकॉन कार्बाइड को कृत्रिम हीरा के नाम से कौन जानता है? सिलिकॉन कार्बाइड को। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स किससे बनता है? क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स 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 किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से। कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। क्वार्ट्स किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। कांच क्या होता है? अतिशीतित तरल होता है, यानी बहुत ठंडा लिक्विड होता है। कांच क्या होता है? अतिशीतित तरल है। कांच क्या है? अतिशीतित तरल है। कांच क्या होता है? कांच क्या होता है? अतिशीतित तरल है। कांच क्या होता है? अतिशीतित तरल होता है। कांच क्या होता है? अतिशीतित तरल होता है। कांच क्या होता है? अतिशीतित तरल होता है। विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा है? विभिन्न प्रकार के कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कांच निर्माण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन है? कांच के निर्माण में मुख्य घटक कौन होता है? कांच के निर्माण में मुख्य घटक कौन होता है? सिलिका होता है। कांच के निर्माण में मुख्य घटक कौन होता है? सिलिका। कांच के निर्माण में मुख्य घटक सिलिका। कांच के निर्माण में मुख्य घटक सिलिका। सिलिका होता है। कांच के निर्माण में मुख्य घटक कौन होता है? सिलिका होता है। कांच के निर्माण में मुख्य घटक कौन होता है? सिलिका होता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली, गोलियां अथवा चूर्ण के रूप में औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि ये सिलिका क्या करती है? बोतलों में उपस्थित सभी गैसों को सोखती है। नमी को सोखती है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी सी थैली गोलियां होती है, जो आप परस्पर देखते होंगे, औषधि के बोतलों में पाई जाती है। ये क्या करती है? नमी को सोखती है। सिलिका क्या करती है? नमी को सोखती है। कांच का मुख्य अवयव कौन है? सिलिका है। कांच का मुख्य अवयव कौन है? सिलिका है, ठीक है। और सिलिका क्या करती है? नमी को सोखती है। सिलिका क्या करती है? नमी को सोखती है औषधि में, ओके। सिलिका जेल नमी को सोखती है। सिलिका जेल जो होती है नमी को सोखती है, ओके। और सिलिका ही होती है कांच का अवयव। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है। प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। प्रतिशतता के आधार पर सबसे ज़्यादा गैस नाइट्रोजन है, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है दोस्तों, और हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है। हाइड्रोजन क्या है? ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है, ब्रह्मांड में। जबकि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, अब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, अब वायुमंडल में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? हवा से हल्की होती है। हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन गैस क्या होती है? हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है हवा से हल्की होती है। नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाते हैं तो वह बुझ जाती है। जलती हुई सीख है, जलता हुआ सीख है, नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाते हैं। तो वो क्या होगा? बुझ जाएगा। जलती हुई सीख को नाइट्रोजन से भरे जार में ले जाते तो क्या होता? बुझ जाएगा। नाइट्रोजन से भरी जार है उसमें, ठीक है, जलती हुई सीख उसमें ले जाते तो क्या होगा? नाइट्रोजन से भरा जार है उसमें जलता हुआ सीख ले जाते हैं, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? वो बुझ जाएगा। कृत्रिम गर्भधारण के लिए बैलों के वीर्य को रखा जाता है किस में? द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। कृत्रिम गर्भधारण के बैलों के वीर्य को रखा जाता है किस में? लिक्विड नाइट्रोजन में। बैलों के वीर्य को किस में रखते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, जबकि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। द्रव नाइट्रोजन बैलों को वीर्य रखा जाता है किस में? लिक्विड नाइट्रोजन में।
लिक्विड नाइट्रोजन में बैलों के ब्रियो को रखा जाता है। हाइड्रोजन गैस कैसे बनाया जाता है? तप्त लोहा है उसमें वाष्प प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का रिलीज करता है। ओके, जल गैस कैसे बनता है? तप्त कार्बन है और उस पर जल वाष्प करिए कार्बन को, तब जल गैस बनेगा। वायु का मुख्य संघटक कौन होता है? नाइट्रोजन है। वायु का मुख्य संघटक कौन 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 है? नाइट्रोजन है। फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन का। फ्लैश बल्बों में किसका वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? नाइट्रोजन का। मैग्नीशियम का तार किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में मैग्नीशियम का तार किस में रखते हैं? मैग्नीशियम का तार किस में रखते हैं? नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में रखते हैं। मैग्नीशियम का तार किस में रखते हैं? मैग्नीशियम का तार किस में रखते हैं? नाइट्रोजन में। ठीक है, फ्लैश बल्बों में जो यूज होता है वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार किस में रखा जाता है? फ्लैश बल्बों के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार किस में रखा जाता है? नाइट्रोजन में। देखिए, ये आपका फ्लैश बल्ब है, ठीक है, और मैग्नीशियम का तार है ये क्या है? मैग्नीशियम का तार है, तब ये नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन में रखा जाता है। ओके, ये सब वायुमंडल है आपका। ओके, ये सब क्या वायुमंडल है, इसमें रखा जाता है। विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। अब विद्युत बल्ब में अभी बताए थे कि फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम का तार रखने के लिए उसके, ये इन्वायरमेंटल हो गया, इसमें ये मैग्नीशियम का तार हो गया, तब इसमें नाइट्रोजन गैस होगा। ओके, तो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? नाइट्रोजन है। विद्युत बल्बों में गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन। विद्युत बल्बों में नाइट्रोजन यूज की जाती है? नाइट्रोजन यूज किया जाती है। नाइट्रोजन विद्युत बल्बों में ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड है। ओके, देखिए, रदरफोर्ड ने क्या क्या खोजा था? अल्फा का, बीटा का एंड गामा की, नहीं सभी, सबसे वेदन क्षमता गामा का होता, फिर उसके कम नीचे ये अल्फा। ओके, एक अल्फा निकलने से दो प्रोटॉन का नुकसान होता है, और एक बीटा निकलने से एक प्रोटॉन का इंक्रीजिंग होगा, यानी ये जबकि निगेटिव होता है एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो रदरफोर्ड ने, और दूसरा ये किस चीज़ का, न्यूक्लियस के साइज को पता किया था? न्यूक्लियस का 10^-15 मीटर होता, इफेक्टिव न्यूक्लियस कितना होता, रेडियस होता है 10^-10 मीटर होता है। ओके, रदरफोर्ड ने खोज किया था न्यूक्लियस का। क्रायोजेनिक द्रव क्या है? लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्रायोजेनिक लिक्विड क्या होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। क्रायोजेनिक लिक्विड कौन होता है? लिक्विड नाइट्रोजन होता है। क्रायोजेनिक लिक्विड किसे कहते हैं? द्रव नाइट्रोजन कहते हैं। क्रायोजेनिक लिक्विड किसे कहते हैं द्रव नाइट्रोजन। बढ़ते हुए पौधे को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यक होती है? सबसे अधिक तो नाइट्रोजन की। ओके, सभी में से सबसे ज़्यादा लोहा, फास्फोरस, सब की तुलना में क्या नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा चाहिए बढ़ते हुए पौधे को? कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक मात्रा में है? तो नाइट्रोजन है, आपको पता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन होता है? NCl3। नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन है? NCl3, ये विस्फोटक है आपका, ठीक है, एक्सप्लोजन बनाया जाता है। नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन है? NCl3 जो है नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन है? NCl3 है। निम्न में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा, प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक है? यूरिया में, जो 46% नाइट्रोजन होता है।
यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है यूरिया में। आकाश में बिजली चमकने से कौन सी गैस निकलती है? NO। आकाश में बिजली चमकेगा ना, आकाश में जो बिजली चमकती है उससे कौन गैस निकलती है? NO। ओके, आकाश से जो बिजली चमकती है कौन गैस निकलती है? NO निकलता है। आकाश में जो बिजली चमकती है कौन गैस रिलीज करता है? NO। आकाश में बिजली जो चमकती है कौन गैस रिलीज करता है? NO। नाइट्रोजन का विस्फोटक कौन होता है? NCl3 होता है। बढ़ते हुए पौधे के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। फ्लैश बल्बों को वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखने के लिए भी नाइट्रोजन चाहिए। ओके, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनने के समय कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड यूज होता है। नाइट्रोजन देखो, प्रकाश रसायनी धूम कोहरा है, ठीक है, प्रकाश रिलेटेड धूम कोहरा बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होती है? धूम कोहरा बनने के समय धूम कोहरा बनने के लिए कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड यूज होती है। धूम कोहरे बनने के समय कौन सा गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड।